यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, इसका अंदाजा आपको गाजियाबाद के डीएम के आदेश से पता चल जाएगा। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेला को लेकर यूपी के कई जिलों को खास तैयारी करने को कहा है। कांवड़ यात्रा को सकुशल और संपन्न कराने के लिए मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल में आने वाले सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और एसपी को विशेष तैयारी करने को कहा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार कांवड़ यात्रा में किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए डीएम, एसपी या एसएसपी स्तर के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा 2024 को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक के बाद जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सकुशल कराने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इस बैठक में डीएम ने कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अपने अपने विभाग द्वारा कराए जाने वाले प्लान और तैयारियों की रिपोर्ट एडीएम कार्यालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। गाजियाबाद के डीएम ने कांवड़ मार्गों पर टूटी हुई गड्ढा युक्त सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ साफ सुथरी बनाए जाने का भी निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रियों के नंगे पैरों में कंकड़ न चुभे, इसके लिए आरआरटीएस, एनएएचआई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम तुरंत ध्यान दे। इसी तरह बिजली विभाग को भी कहा गया है कि कांवड़ मार्ग में विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। साथ ही कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जहां कांवड़िए रुकते हो वहां पर बिजली की तारों की जांच की जाए कि कहीं कोई तार कटा, छिला या खुला हुआ तो नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसी तरह डीएम ने परिवहन विभाग को भी आदेश दिया है कि गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए लगभग 250 बसों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को हरिद्वार पहुंचने में कोई समस्या ना हो। रेल विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों का विवरण दे, जिससे कि उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करते हुए श्रद्धालुओं तक पहुँचाई जा सके। डीएम ने कहा कि कांवड़ मार्गों पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कांवड़ मार्गों पर जगह जगह एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्य कैंप की तैयारियां रहें। कांवड़ यात्रा में कोई भी अधिकारी ये सोचकर दूसरे विभाग के साथ पत्राचार न करे कि ये उसका कार्यक्षेत्र है। जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए, जिनका नंबर सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही कांवड़ मार्गों के आसपास की झाड़ियां, गुलर के पेड़ आदि को भी साफ किया जाए। साफ तौर पर कहा जाए तो कांवड़ियों के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नंगे पैरों में अगर कुछ भी चुभा या यात्रा में कोई ढिलाई की तो डीएम भी नप जाएंगे, एसपी और एसएसपी भी नप जाएंगे। तो आप भी सीएम योगी के इस फरमान पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।